अस्सलाम वालेकुम, ये जी टोयोटा लैंड क्रूज़र है जिसमें आ रही है चेक इंजन लाइट और गाड़ी चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही। ट्रबल कोड इसका है P0393 कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर बी सर्किट हाई इनपुट बैंक 2। अब कैमशाफ्ट सेंसर इसके अंदर लगे हुए हैं 5, 3 एक साइड पे हैं और 2 दूसरी साइड पे हैं। तो इसकी जो इंस्पेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ, चले आएँ। इसका जो इंजन का टॉप कवर है आपने सबसे पहले उसको हटाना है, और ये इसका 1UR इंजन है। इस 1UR इंजन का टॉप कवर हटाने के बाद आपने इसका जो एयर क्लीनर वाली साइड है वो इसका बैंक 2 है। अब बैंक 2 के अंदर आपने फाइंड करना है इसका कैम सेंसर। कैम सेंसर थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये इसके इग्निशन कॉइल और बाकी सारी चीज़ें भी इसके साथ लगी हुई होती है। तो इसका जो कैम सेंसर है वो एक ऊपर लगा हुआ है, एक उसके नीचे लगा हुआ है, जो कि एक सेंसर 1 है और एक सेंसर 2 है। बैंक 2, सेंसर 1, सेंसर 2। अब इसकी जो वायर है उन वायर्स को आपने खींच के चेक करना है, ग्रिप लूज़ तो नहीं कहीं इसका। अगर ग्रिप इसका कहीं लूज़ नहीं है और प्रॉपर वायर कनेक्ट हुई हुई है तो आपने सिंपल इसके ग्रिप को निकाल के चेक करना है अंदर कोरोजन वगैरह तो नहीं। अगर कोई कोरोजन वगैरह नहीं है तो आपने उसको सिंपली दोबारा रिकनेक्ट करना है। तो इसी तरह जो इसका कैम सेंसर बैंक 2 का सेंसर 1 है आपने उसको भी निकाल के प्रॉपर तरीके से उसको कनेक्ट करना है। और मेक श्योर आप ये रखें कि इसका जो ग्रिप है वो जब आप उसको बिठाएं तो एक क्लिक का जो साउंड है वो आपको सुनाई दे, ताकि आप कन्फर्म हो जाएँ कि ये ग्रिप बैठ गया है। अब बैंक 2 का जो सेंसर 2 है ये सेंसर भी आपने निकालना है और इसको भी आपने इंस्पेक्ट करना है अच्छी तरीके से और दोबारा रीइंस्टॉल करना है, इसको दोबारा रिकनेक्ट करना है। तो आप इसको आप रिकनेक्ट कर देंगे उसके बाद आप कोड क्लियर करें। कोड क्लियर करने के बाद जब देखें मैंने इस गाड़ी को चेक करा तो अल्हम्दुलिल्लाह मसला सॉल्व हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।